ನನ್ನೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ JDS ಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರೋ ನೂರಿಭಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಪುಷ್ಪಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊರತೆಗಳಿದೆ. ಈ ಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು. ಈ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೂರಕವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮಾಮ್ ಸಾಥಿ ತೋ ಮುಂಚಿತ ಸುಮಾರು ತೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿ ಹಮಾರೆ ಪಿ ಪೂರ್ ಪುಲುಸ್ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಆಪ್ಕೆ ಲಕ್ಕು ಗೌರ್ ಹೋ ಬಹುತ್ ಖುಷಿ ಕಾ ಮೌಕಾ ಹೈ ಹಮ್ ತಮಾಮ್ ಮಿಲ್ ಕೆ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಆಪ್ಕಿ ಹಿಮ್ಮತ್ ಅಫ್ಜಾಯಿ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಹಮ್ ತಮಾಮ್ ಜುಡೆ ಹುಏ ಹೈ ಔರ್ ಉಮೀದ್ ಭಿ ಕರ್ತೆ ಹೈ ದುಆ ಭಿ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಆಪ್ಕೊ ಕಾಮಯಾಬ್ ಬನಾಯೆ ಔರ್ ಹಮಾರೆ ಕಾವಿಶೋ ಕೆ ಪೂರೆ ಹೋ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸೋಶಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರ್ ಮೇ ಯೇ ಬನಾನೆ ಕಾ ಯಹಿ ಮಕ್ಸದ್ ಹೈ ಕೆ ಮೈಸೂರ್ ಕಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅವಾಮ್ जो बैकवर्ड आवाम है उसको एजुकेट कैसा करना और उसको आगे बढ़कर कैसे लेकर चलना, उसके लिए ये ट्रस्ट बनाने का मकसद था. अब हाल ही दिनों में जो तकलीफ NR कॉन्स्टिट्यूएंसी में बल्कि मैसूर के अंदर हो रही है रिफाउल मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट को लेकर, तो आप सब लोग देख रहे कि क्या तकलीफात से गुजर रहा इदारा. एक तो वो गर्ल्स वाली क्या भी उड़ गई. तो ऐसे मुद्दों को लेकर हम लोगों में एक विजन था कि भाई पॉलिटिकल पार्टियों में हमारी कौम के लोग इंटर हो, हमारे जैसा कौम के लोग इंटर होती, हमारा एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब बढ़ता है तो हमारे मसले जितने भी हैं वो हल करने हमें आसानी होती. तो यहाँ एडेड वैल्यू क्या हो गया, एडवांटेज क्या हो गया बोले तो, जनता दल के अंदर एक प्रेसिडेंट को मुसलमान देते हुए जनरल सेक्रेटरी को भी मुसलमान बना दिया है. उसकी खुशी जाहिर करने के लिए उसका एक अप्रिसिएशन समझिए या हमारा साथ समझिए वो पार्टी को देने के लिए, तो हम उसको ये बताने के लिए कि भाई आप जो करें उसके लिए हम भी हम आप लोगों के साथ हैं बोलकर दिखाने के लिए आज हम सब मिलकर यहाँ पर आके जनाब नूरी भाई को गुलपोशी कर उनसे उनको मुबारकबाद देकर इसके जरिए हम पार्टी को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आवाम भी आपके साथ. और इसके साथ साथ जो है हमारे जितने भी मुश्किल हैं, हमारी जो आवाम की मुश्किल हैं, जो डेवलपमेंट के हिसाब से हो, जो भी चीज़ें हैं हम आपके सामने एक प्रपोजल के तौर पे रखेंगे आने वाले दिनों में. तो अल्लाह करे कि आप लोग मिलकर गवर्नमेंट बनाएं, आपका बहुत बड़ा योगदान हो गवर्नमेंट में रहे, तो ये सब चीज़ें जाहिर करते हुए बस मिलकर जाएंगे बोलकर आने का मकसद था हमारा. तो वंस अगेन फ्रॉम कर्नाटका मुस्लिम सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं आपको आपकी पोस्ट के लिए, और आपको अल्लाह ताला तरक्की दे और अल्लाह ताला आपको इसके अंदर भरपूर मिल्लत को लेकर कौम को लेकर कामयाबी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हमारे पूरे दोस्तों का बहुत बड़ा शुक्रिया कि हमने एक पोस्ट मिलने से आपको इतना बड़ा इज्जत अफजाई करें. और क्या कहते हो, बहुत बड़ी खुशी की बात एक मुसलमान के वास्ते है. ये पार्टी में बहुत ही बड़ा यह है, क्या बोले तो कभी भी हमें क्या भी जाकर पूछे है, ये पार्टी में मुसलमानों के वास्ते बहुत अच्छा एक मैसेज हमना हमें क्या सब मिल को थे. ये एक सामने ही बोल को मैं कभी भी कोसा भी एक पोस्ट लेने के वास्ते इसके वास्ते गया नहीं, पूछा भी नहीं. इब्राहिम साहब बहुत टाइम मुझे बोले, अब एक जने ही उनके साथ में हमें पीछे काम करेंगे. क्या भी नहीं है, सब भी अल्लाह ताला सबको भी ये अहदा इससे भी हमारे से भी बढ़कर चढ़कर हमारे मुसलमान भाइयों को मिलेंगे. मुझे बहुत खुशी हमारे से भी ज़्यादा मिलेंगे, इसमें बहुत बड़ी खुशी की बात है. क्या कहते हो, अब एक पूरा कारवां के ऐसा चलता था, ये हमें पीछे रहते हैं
उनके सामने रहते हैं, ऐसा काम चला लगा। क्या भी हमें पोस्ट मैच रखो करना होगा नहीं, एक मामूली कार्यकर्ता के साथ हमें काम कर ले को सब मिल को कर ले को आते थे। बाद जरा जरा ऐसा है ये सब डेवलपमेंट हुआ अल्लाह के करम से। परसों बुला भेजे पूरे कुमारणा हमारे देवेगौड़ा जी सब बुला को बात कर को तुम लियो ले को करो सबको साथ में मिल को सबको साथ में ले को चल को करेंगे इंशाल्लाह 100% हमारी गवर्नमेंट आते। और इब्राहिम साहब का पहले एजेंडा क्या था तो पहले जब उन्होंने पार्टी को आए उन्होंने मुसलमान के वास्ते कैसा हमें फर्स्ट एससी है सेकेंड आको मुस्लिम सीच मेजॉरिटी में स्टेट में जो हैं हमें चीज़ हो तो मुसलमान के वास्ते हर चीज़ में भी मालूम एस एम कृष्णा गवर्नमेंट में क्या कर रहे थे ये जी कोटा को सेट कर रहे थे क्या कर तो कार्यकर्ता जो भी काम करते ना अभी पार्टी के वास्ते काम करने के बाद उनके वास्ते क्या है लोगों को उन्होंने क्या करना काम करा लेते हैं काम करा लेके बाद उनको आराम से छोड़ डालते हैं ऐसा करते थे। उसके वास्ते ये सब बात हमें इब्राहिम साहब के पास भी रखे थे उन्होंने भी पूरा कुमाराना के साथ देवेगौड़ा जी के साथ उन्होंने तो हमारे से बहुत पुराने फिर क्या कि एक मसले से कांग्रेस चले गए थे कांग्रेस में उनको उन्होंने जो पोस्ट पूछे वो क्या भी बहुत बड़ा नहीं था जबकि हमें 19-20% नहीं तो हमें की नहीं हो सकते की नहीं दे सकते थे कांग्रेस में आराम से दे सकते थे। खैर उनकी पार्टी में वो नहीं करें उसके बाद हमारी पार्टी में इब्राहिम साहब आने के बाद बहुत अच्छा अल्लाह उनको एक पोस्ट दिया आज सबके बड़े उन्होंने ही कर्नाटका स्टेट के अंदर एक मुसलमान ही बल्कि बहुत बड़ा फख्र है हमें क्या भी उनका ये करने का नहीं है। ज़रा कौन कौन की मिसअंडरस्टैंडिंग कर लगे उनके बारे में क्या क्या की बोली ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल कुछ भी नहीं है। शमशुल हक साहब ज़रा यहाँ आको पूछ को कर को करना था उन्होंने नहीं करे ज़रा यहाँ के भी अब लीडर सती मुदसर भाई तुम्हें सब पहले से भी ये पोस्ट में रखो इतना बड़ा काम चला ले करी अब इनसे सब एक राय कर को करना बहुत अच्छी बात हो क्या भी का मेरा डिसीशन चलना मैं ही चलना उन्हें चलना इन्हों चलना वो को नहीं है। ये पार्टी में ये कभी भी लाए तो कुछ भी नहीं मैं वहाँ बैठा तो भी वोच आप आकर यहाँ बैठे तो भी वोच है मालूम ये जहनत जब तक हमें नहीं लाते ये पार्टी को डेवलप करने नहीं होता क्या कहते तो मैज बड़ा ऐसा नहीं है। इब्राहिम साहब ख़ास तौर पर मुसलमाना का हर चीज़ में भी जितने भी बोर्ड मेंबर्स आते हैं मेंबर्स में चेयरमैन में MLAs में भी उन्होंने ये तेज हमना सीटा होना उनको पूछे थे माशाल्लाह होते देखो ही जरे क्षेत्र में क्या है जरे जद में बढ़ चढ़ को आए नहीं जैसे कि जार्ज के इसके एक जरे बहुत जगह हमें जहाँ वोट डिसाइड करती मुसलमाना उन्होंने जीतती सो वहाँ ऐसे जगह में सब क्या है ज़रा बढ़ चढ़ को JDS पार्टी को आई नहीं। अब हमें सब मिल को इंशाल्लाह और 5 साल तक ऐसा काम करे तो इंशाल्लाह सब बढ़ चढ़ को आती उनका एक अलहदा चीज मकसद है क्या बोले तो अगर गवर्नमेंट बराबर आ गई तो करेंगे नहीं रहा तो केजरीवाल के साथ फिर हमें नेक्स्ट और इलेक्शन गुजेंगे मगर 123 सीटें जो हैं वो लेंगे को उनके दिल में ख्याल है। और इब्राहिम साहब सबसे बात कर को सबको ये कर को सबको कॉन्फिडेंस में ले को चल रही नॉर्थ में हमारी पार्टी को पूछने वाले नहीं थे यानी कि अब कुमार स्वामी साहब क्या है उन्होंने अकेले पूरा फिरना था अब देवेगौड़ा जी की तो हालत ऐसी है अब कौन भी एक ऐसा लीडर नहीं था जो फिर को नॉर्थ कर्नाटका में सब काम कर सके। इब्राहिम साहब का हमारी पार्टी में आना बहुत बड़ा प्लस हुआ हर जगह फिरे हर दिन एक दिन भी बैठना नहीं सो उन्होंने काम कर रही आज भी उन इसमें ही उन्होंने विदर्भ में सब है ऐसा काम कर ले को एक पूरा एक बहुत अच्छा कर ले कहीं फारूक वही अब उन्होंने भी ऐसा हमें एक क्या कहते हो एक काम पार्टी का काम कह के बाद पार्टी को एक हमारे घर की एक माँ समझ को काम करना हमें पूरे हमें एक बच्चेंगे ऐसा मिल को कौन भी बड़ा छोटा क्या भी नहीं मैं बोला ना तुम यहाँ बैठे तो अभी अच्छा उन्होंने और उससे भी बड़े पोस्ट से भी इनको मिलेंगे मुझे बहुत खुशी सबको लेंगे। अब हमारा हक पूछना तो हमें क्या करना सब साथ में रखो भाई उनको जाको बोलना भाई ऐसा है भी इन्होंने फलाने एजुकेटेड है इनको ये दे सकती हैं उनको मालूम नहीं रहता अब 224 क्षेत्र में फिरने वाले उनको टेंशन के तरह था अब हमें खाली यहाँ से अब जरा छोटा मोटा कलाली सो परेशानी
किससे कौन क्या बोलो किधर बोलो गले को ऐसा ही वैसा सब क्या भी नहीं है। पार्टी के खुद जो जी लीडर्स नहीं जेडीएस पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी जा कहीं सर उन्होंने क्या बोलते हैं सीएम इब्राहिम आने के वजह से हमें पार्टी छोड़ नहीं 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 उन्होंने जरा कंफ्यूज कर लिया जा को उन अगर बैठ को बात कर को उनको उनका अच्छा एक ताकत थी मैं उन्होंने एक अच्छे ऑर्गेनाइजर मतलब किसकी भी बुराई बोलने से क्या भी नहीं है मैं जानता हूँ बहुत नज़दीक से जानता हूँ मैं बहुत अच्छे हार्ड वर्कर भी अच्छे ये भी उन्होंने खाली दिमाग से सोच को उनको जाकर समझाना था ऐसा नहीं ऐसा है सब अबू मुदसर भी थे मुजक्किर भी थे दूसरे भी लीडर्स थे और पार्टी ने हमारा सिटी पार्टी प्रेसिडेंट था सबको ले लग जाकर बिठा को बैठ को बात कर को ऐसा नहीं ऐसा है यहाँ का माहौल ऐसा है अब वो यहाँ का माहौल उनको कैसा मालूम होना हमें बोले तो ना माहौल मालूम होता है अब क्या करें अब ये चीज़ें सब जाकर उनके सामने बयान नहीं हुआ बोले नहीं करे नहीं क्या भी नहीं था खुद इन्हों डिसीशन ले ले समझ रहे हैं हमारी पार्टी से एक स्ट्रांग लीडर गए जैसा हुआ सर हाँ हंड्रेड परसेंट उसमें नो डाउट है वो देखो हमें किसे भी उनसे ज्ञान में क्या भी नहीं ये बात सर 100% हमना मामूली बात नहीं है लॉस को है समझ रही हैं उन रहते तो बहुत अच्छा होता था खाली क्या है आपस में मुझे क्या भी नहीं है मैं इनके पास झुको जाने से क्या भी होने का नहीं है अरे भाया उन्होंने भी अत्या चुनो भी अत्या जिन्हें झुकता उन्हें चिंसान मैं जी ऐसा वैसा को मैं खुद का डिसीजन एक एक टाइम क्या होता मतलब खुद अपना डिसीजन वो ख़राब हो जाता है गलत रहता है ज़रा मशवरा करने से क्या रहता है मशवरे में अल्लाह का साथ भी रहता है और पूरे जो भी साथ में अभी हम बैठे हैं एकदम एजुकेटेड हैं अब हमें किसके साथ बैठती इनका जो नेचर है ना हमारे में आ जाता है और साथ में अल्लाह का एक साथ रहता है ये अल्लाह का साथ जो है वो क्या तुम ना एक खैर का मामले को जाती हैं हम उनको दिमाग खजरा ख़राब कर डाले बहुत जबरदस्त जी जी उसमें जेडीएस का कैंडिडेट रहता है या नहीं सर रहता है इंशाल्लाह 100% रहता है अब इन्हों पूरा एक स्ट्रैटेजी कर ले आ रही मालूम मगर कौन तो भी आंदे कौन तो भी आंदे मामूली एक अब देखे नहीं भवानी मैडम पूछे थे एकदम हाई कमांड के बहुत क्लोज सब वहीं उनकी जगह एक सामान्य कार्यकर्ता को भी दिए तो आज स्वरूप को अपने देने में उन्होंने सब कर रही कितना बड़ा फिट करे कुमार स्वामी ये सब देखना हमें वैसा सब नहीं है अब हम ना चे ब्लाक को उन्होंने देना को तो देखो वो पार्टी में है नहीं उन्हों मुसलमानों को सबसे ज़्यादा चाहने वाले उनको एक अफसोस क्या है कि तो आज तक हम ना एक 50% मुसलमान अभी हम ना बढ़ चढ़ को आपको काम कर रही अगर 2-3% कर रही एक 10% भी अगर उनके साथ में काम करेंगे मैं समझता हूँ हमें क्या बोलती हूँ वो होता है हमें क्या बोलती हूँ वो होता है ठीक तो मैं देख लिया बहुत नज़दीकी से देख लिया यहाँ पूरे के पूरे चले गए तो भी मैं बोला मुजक्किर भाई को भी बोला मुदस्सिर भाई को सब छोड़ कर चले जाने गए तो भी हमें जाने का नहीं है ठीक तो हमें नज़दीक से इनको देख डाले डिप्टी मेयर का रहो पहले देखो इलेक्शन हारे हमें हारते मन अब्दुल्ला भी का आया उन्होंने खुद कुमार स्वामी फ़ोन करको तीन पोर्टफोलियो में आप कौन सा होना वो लोगों को बोले उनको अरमान एग्जीबिशन चेयरमैन की थी वो बोले वो दिए कौन सी पार्टी में है नहीं नहीं तुम ना पूछ को देने का कौन सी पार्टी में है पूछ को दिए नेक्स्ट डिप्टी मेयर का आया हालांकि दूसरे एस्पिरेंट भी थे दूसरे कम्युनिटी वाले भी थे जाको अप्रोच करे मुसलमान को दियो अच्छा होता है को शफी अहमद को दिए अगली बारी च मुसलमान कैंडिडेट के वास्ते मेयर के वास्ते आएगा हाँ लेडी एक तो पंप है सब कुछ है मगर उनके पास ना पैसा था ना कुछ था कॉम्पीट करने के लिए कुछ भी नहीं था फिर भी अब्दुल्ला भी की बात भी थी कुमाराना के दिल में भी था सब जाको पूरे अप्रोच करे ऐसा ना करे सो पूरे मिल को गए जाको बात करे बोले ना 50 साल के अंदर मैसूर की हिस्ट्री में कांग्रेस हमना खाली ठगाले कर रही है मुसलमान को आज तक किसी भी दी नहीं तुम्हें मुसलमान को दिए तो पूरे मुसलमान तुम्हारे फेवर होते हैं को बोले वही सा चुनो मुसलमान को कर को दिए
अब ये ऐसा ये मसले में भी क्या भी नहीं था, पूरे मिलको बैठ को बात कर को बढ़िया से जाको बात करता थे तो ये भी मसला हल हो जाता था मेरी नजर में। दूसरे की नजर में क्या है मन जेडीएस छोड़ को कांग्रेस को भी, कांग्रेस को एक ताकत मिली है, ऐसा हो गया है तो जेडीएस जीत के अगर को कितनी उम्मीद है सर आपको एनआर में? नहीं, जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है, कोशिश करना हमारा काम है मनुमा। अभी 10 साल से भी कोशिश कर रही, कोशिश कर ले को जाते वाजपेयी आदमी हंसते थे कहते हैं क्या एक कैंडिडेट कहाँ के कोने में बैठेंगे को, आज उन्होंने 330 ही, क्या भी बड़ी बात है। अल्लाह के ऊपर भरोसा, सबसे पहला अल्लाह के ऊपर भरोसा, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना, मैं बड़ा तू छोटा, उन्हें बड़ा उन्हें होते में है, उन्हें क्या भी होता है कि क्या भी नहीं है, इनका काम मैं नहीं कर सकता, मेरा काम उन्होंने नहीं कर सकता, ये अल्लाह चुनको रखी हमें इनके उस क्या है, सब जगह भी जिन्हें झुको काम करता है उन्हें समझ रही, मेरे से होता है तो क्या भी नहीं होता, हमारे से होता है। मैं क्या बोले आप तुम ना, हमें सब जाको मेहनत करने में ये तेज चीज़ें हम ना मिले, आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा चीज़ें गवर्नमेंट आने के बाद मिलती मालूम है, सब पढ़े लिखे ही हम ना भी दिमाग में है बहुत, हमारे से भी ज़रा आगे जाने के है आदमिया उन्हों इंशाल्लाह जाती। मैं पूरे अंकों बोल को हूँ समझे क्या, बड़े अंकों भी जो है देवेगौड़ा जी इनको सब पूरा बात कर को ही, हर बोर्ड में भी एक मुसलमान को एक मेंबर देती, उन्होंने वादा कर को ही इंशाल्लाह अच्छा होता है, सब मिल को हमें करते हैं इंशाल्लाह। काम सबसे पहले मैं मेरे दोस्त और हमारे जेडीएस के जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी होकर जो हाल ही में अपॉइंट हुए हमारे हाशिम अली खान नूरी भाई को, सबसे पहले मैं अब यहाँ पर जो है एज ए जेडीएस सिटी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से आकर नहीं हूँ, मैं आज जो है KMSWET का एक मेंबर जो है मेंबर बन गया, सेक्रेटरी भी होंगे वहाँ पर भी, तो उसकी हैसियत से आज ये टीम जो है एक कॉमन इंटेंशन एक अच्छा एक इरादा रखते हुए और आने वाले दिनों में जो है इंशाल्लाह जेडीएस का बहुत बड़ा रोल रहेगा कर्नाटका गवर्नमेंट बनने में, सरकार बनने में जेडीएस का बहुत बड़ा रोल रहेगा और जेडीएस से हमारे माइनॉरिटीज़ को लेकर जो है तुम्हारा ना जो एक्स सीएम रहे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अल्लाह करे कि उन्हें फिर से वो मौका दिए, इसलिए कि हमारे जो ख़राब वक्त में जो मिल्लत के ऊपर जब सीए से लेकर परसों ये 4% का जो स्क्रैपिंग ऑफ टूबी का हर इश्यू के अंदर कुमार ना छोड़े तो और कोई एक लीडर जो है एक ओकल होकर एक एड़ी चोटी का जोर लगाकर इससे बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ मिश्री कुमार स्वामी साहब जो है उन्होंने बात करे तो इसी एक वजह से जो है आज कर्नाटका मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट जो है जेडीएस को अपने तरफ से जो है पूरा कंप्लीट एक सपोर्ट जहां जहां पर भी जेडीएस ये करेगी उसे सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे और इंशाल्लाह हमारे तरफ से जो है हर किस्म का लॉजिस्टिक सपोर्ट रहेगा इंशाल्लाह डिटेल में हमें हमारे नूरी भी के साथ जो है हमें बात करके जो भी है इंशाल्लाह यहाँ पर जो है एक मैसूर का एक इंटेलेक्चुअल तबका आकर है जिसके अंदर एडवोकेट्स भी हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, माशाल्लाह इंशाल्लाह सब एक इस पर आकर कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर जो है इंशाल्लाह। जैसा कि मुदस्सिर भाई बताया है कि एक बहुत बड़ी हमारे लिए जो है फख्र की बात है कि जेडीएस जो है कर्नाटका स्टेट के लिए जैसा बताया कि प्रेसिडेंट भी एक मुसलमान हैं और जनरल सेक्रेटरी भी जो हैं अब अपॉइंट हुए हैं जबकि इलेक्शन के नज़दीक खुशखबरी आई है तो हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है और ये मैसूर से जो है जनरल सेक्रेटरी चुने गए हैं तो ये हमारे लिए और भी एक बहुत फख्र की बात है और हमें उम्मीद है और हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो कर्नाटका स्टेट मुस्लिम सोशल एंड एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जो है तो यहाँ उसके प्रेजिडेंट होने के नाते जो है हमारा जो पूरा सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नूरी भाई के साथ है और जेडीएस के साथ इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आने वाले सालों में इंशाल्लाह हम जो है
हमारा पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन कोऑपरेशन आपके साथ रहता है और हमें उम्मीद भी करते हैं कि हमारे जितने भी मकसद हैं, हमारा जो भी हमारा विजन है उसमें आपका सपोर्ट और ताउन हमारे साथ रहता है, वो हम उम्मीद करते हैं। तो अब हमारे